बैक टू द अनदर ब्लॉग्स। तो आज है मैं अभी नई जर्नी, क्योंकि भाई दारचा हमने अचीव कर लिया है और माइलस्टोन क्रिएट कर लिया है। अपना फर्स्ट टाइम हम आए हैं भाई ये इस वाले रोड पे, दारचा वाले रोड पे। तो दारचा हमने किया कि इससे आगे जाने नहीं दे रहे थे, तो अब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं अपना दिल्ली के लिए, जो कि अपनी जर्नी कंटिन्यू होने वाली है। यहाँ से देखा जाए तो 700 किलोमीटर की जर्नी है जो कि अपना दिल्ली तक रहेगी। सो गाइस ब्लॉग में बने रहो पूरा देखने के लिए, और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्या क्या यहाँ पे रोड बने हैं, कैसी रोड कंडीशंस हैं, और ये इस समय ऑफ सीजन है, और क्या क्या मतलब यहाँ पे मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ एक बताऊँ मैं आपको, अगर आप है ना अब ये ऑफ सीजन में है अभी सब फिलहाल, तो और जब ये ऑन सीजन होगा ना उस टाइम पे भी यहाँ पे भाई बर्फ़ नहीं मिलेगी, क्योंकि जनवरी का सीजन चल रहा है, कोई बर्फ़ का टुकड़ा नहीं है यहाँ पर, नामो निशान नहीं है। बस ऊपर की तरफ जो पड़ गई वही बर्फ़ है, उसके अलावा कोई बर्फ़ नहीं है। तो यानी कि ऑन सीजन में भी यहाँ पर बर्फ़ नहीं मिलने वाली है गाइज, मुझे जहाँ तक लगता है। गाइज ये है दारचा ब्रिज, जो सबसे बड़ा ब्रिज है, और ये दारचा की पहचान है। और ये देखो पूरी घाटियाँ चारों तरफ, और भाई ये अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है हाई एल्टीट्यूड पे। यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है वो है भाई 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पे हैं इस समय हम, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है पढ़ सांस लेने में भी और बोलने में भी दिक्कत है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस समय बज रहे 11:30 का टाइम हो रहा है, और जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री है यहाँ पर इस समय, और धूप निकल रही है तब भी ये टाइम है। और चलिए रूटों पर पहाड़ियाँ देख लो। सो गाइज अब हम जा रहे हैं दारचा टू दिल्ली। सो गाइज ब्लॉग में पूरे बने रहो, तो चलते हैं। ये ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, और क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे सीधा नीचे अपना जिसपा रुकेंगे, जिसपा पे दिखाऊंगा मैं आपको। वैसे मैं ब्लॉग में जो आपने लास्ट टाइम ब्लॉग डाला मैंने उसमें देख चुके होंगे, जो मेरा जिसपा से दारचा का ब्लॉग था। देन अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे, तो जिसपा रुकेंगे, फिर किलोंग रुकेंगे, देन उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको टांडी, टांडी के बाद सीधा फिर अपना जाके रुकेंगे सिसु के बाद अपना जाएंगे सीधा हम अटल टनल के बाद सीधा मनाली, और मनाली के बाद सीधा निकले पंजाब, और पंजाब के बाद सीधा हरियाणा टू दिल्ली। भाई बड़ा लंबा ट्रिप होने वाला, मज़ा आएगा गाइस, और ये तकरीबन 14-15 घंटे की ट्रिप होने वाली है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपना गाड़ी के अंदर। और ये है भाई अपना दारचा ब्रिज, बहुत बढ़िया ब्रिज है और बहुत बड़ा बना रखा है भाई, और पीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया हुआ। और नीचे बहती है यहाँ पर एक व्यास नदी, वो देखो उस साइड नीचे बह रही है। और अब चल रहे हैं हम अपना दिल्ली। ये रोड देख रहे हो, बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर ना 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ होती है दारचा में। देखो दारचा नीचे पहाड़ी है दारचा की ज़बरदस्त, और भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर कहावत है इनका, मानना है यहाँ के लोगों का, कि यहाँ के एक राजा हैं जो है ना अभी मतलब ये कह सकते हो कि वो ट्रिप पे निकले हुए हैं, अभी गांव-गांव में घूम रहे हैं वो, और वो मंदिर में जब स्थापित हो जाएंगे ना तो तब वहाँ यहाँ पर स्नोफॉल होती है, और वो होंगे मंगलवार या बुधवार के थिंग आई थिंक वो होंगे यहाँ पर मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर स्नोफॉल होगा तगड़े वाला, हाई स्नोफॉल। सो गाइस अभी तो कुछ नहीं मिला अपने को, अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि कहना है हम लोग मई जून में घूमने आए। सभी लोग परेशान हैं जो यहाँ पे आए थे ऑफ सीजन, और जो रेगुलर आते थे वो बंदे तो नहीं आए हैं, बट ऑफ सीजन जो आए थे वो तो परेशान हो गए गाइस। और सामने है ना झरने काफ़ी जम चुके हैं, वाटरफॉल जो हैं सब जम गया है भाई, क्योंकि ठंड बहुत है, बस स्नो नहीं गिर रही है, ठंड बहुत है इस समय, -2 डिग्री या -3 डिग्री टेम्परेचर माइनस में है इस समय गाइस। अपने को ना पहाड़ी गाय मिली है, पहाड़ी गाय है या भैंस है पता नहीं, वो भाई ये अजब तरीके की है, देखो गाइस ये डर रही है हमसे कि क्या कर रहे हैं। और ये है ना जिसपा में है, और ये जिसपा की पहाड़ियाँ, और भाई ये घर देख लो आप, ये घर है भाई, यहाँ पे लोकल जो गांव वाले घर होते हैं ना ये वो हैं। और मैं आगे भी दिखाता हूँ आपको, देखो भाई ये कुत्ता है, हाय हाउ आर यू भाई, पहाड़ी कुत्ता क्या हाल है भाई, अरे तू तो डर रहा है यार, आजा आजा आजा। देखो भाई ये सारा ऑफ सीजन है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सब खाली हो गया है, और ये बनेगा जैसे देखो सामने हट्स बनी हुई है ना, जैसी हट्स बनी हुई है ना सेम उसी तरह की हट्स बनेंगी, ये रूम्स होते हैं भाई, रूम्स को कन्वर्ट कर देते हैं लोग इनको, और भी सब हटा दिया भाई। और ये देखो सब कुछ बंद कर दिया है, और ये पहाड़ी गाय है, और ये इसके मालिक का कुत्ता है, ये इसको चराने ले जा रहा है। हाँ भाई कहाँ ले जा रहा है, कहाँ चराने लेके जा रहा है भाई, हम दिल्ली से हैं जी। हाँ जी हाँ जी, आप कहाँ से, आप यहीं रेगुलर गाँव के, तो 12 महीने यहीं रहोगे आप, ठंड बहुत होती होगी ना, बर्फ गिरेगा, वैसे इस मौसम में बर्फ गिर जाता है ना, वो कौन से भगवान है जो घूम रहे हैं अभी उनके बाद गिरेगा ना, राजा गेपन। जी, जी। तो वो कब मंदिर में जाएंगे, अब वो मंदिर में 10-8 तारीख स्नोफॉल होगा तब आपको भी राहत मिलेगी, ठंड कम हो जाएगी ना फिर थोड़ी, ठंड कम। आपका घर कौन सा है आंटी, ऊपर है हमारे, अच्छा आपको ऊपर, आप दारचा में हो, आप दारचा में नहीं है, अच्छा जिसपा में ही है आप, ओके 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 ठीक है आंटी, नमस्ते, ओके बाय।
हाँ जी हाँ जी। सो गाइस ये लोकल लोकल मिले हमको, उनसे हमने बात की, अच्छा लगा भाई लोकल से बात करके ना, अच्छा लगता है गाइस। तो अब आगे निकल रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं अब सीधा किलोंग। गाइस ये लोकल घर है, गांव है जिसपा का, तो भाई यहाँ पे आ गए हैं और अब यहाँ से निकलेंगे सीधा आगे किलोंग के लिए। और ये देखो इनका ना भाई स्टॉक कर लिया इन्होंने अब सीजन के लिए, अब ये जलाने वलाने के लिए पूरा। ये लोकल्स घर है यहाँ पर, क्या ज़बरदस्त जगह है यार, फुल ज़बरदस्त भाई चाहते हैं। और इनके लिए तो नॉर्मल है पर, लेकिन हम दिल्ली वालों के लिए ना भाई बहुत ज़्यादा हाइट्स पर हैं हम, 10,000 फीट की एल्टीट्यूड पे, और है ना सांस फूल रही है। तो भाई चल रहे हैं हम अपना नीचे किलोंग के लिए, और ये दारचा वैली है पूरी, सॉरी जिसपा वैली है, जिसपा है पूरा ये। और अब मैं चल रहा हूँ नीचे, चलते हैं गाइस। सो गाइस एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये ना ऊपर से ये बीआरओ का यहाँ पे काम चल रहा है, इन्होंने वर्क स्टेशन बना रखा है। और देख लो भाई यहाँ से अटल टनल जो है वो रह जाती है यहाँ से 58 किलोमीटर, मनाली 91 है और कुल्लू 133 और चंडीगढ़ है 389 किलोमीटर। सो गाइस ये देखो बीआरओ ने अपना ये बना रखा है स्टेशन, और यहाँ पे एक मंदिर है शिव भगवान का, और ये जिसपा है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ना यहाँ पे बर्फ जम गई। सो गाइस जब कल हम आए थे ना तो यहाँ पे कुछ नहीं था, ये सारा क्लियर था, और आज देखो सुबह सुबह रात रात में ना सारा जम गया है, पानी ऊपर से आया है और ये पूरा पानी जम चुका है। ये देखो ये पूरा पानी जम गया है, ये पानी आया है इन्होंने, देखो ये पूरा ना नाला पूरा जम गया, नाली है ये, और ये आगे तो पूरी जम चुकी है, इसमें पानी जितना भी गया ना गई, ये देखो ये जम गया, ये सब जम गया है, पूरा जमा है भाई जितना पानी है ना, ये रात रात में जमा है गाइस, ये जब मैं कल आया था कल नहीं था, ये जो -20 डिग्री टेम्परेचर हुआ ना रात उससे जमा है गाइस। ये देखो ये देखो ये पूरा जम गया गाइस, और ये ऊपर से आया नीचे से पानी ना पहाड़ों का, वो पानी आया सारा जम गया गाइस। तो बहुत ठंडा है, टेम्परेचर ना माइनस में जा रहा है भाई, मजा आ गया भाई। और सुबह के बज रहे हैं दोपहर के 12, देख लो ये -9 डिग्री टेम्परेचर है, और टाइम देखो हो रहा है सुबह के 12 बजने वाले ऑलमोस्ट, दोपहर के भाई दोपहर के 12 बज रहे हैं, और ऊपर धूप निकली हुई है देखो, और भाई -9 है, रात में यहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर था, सब जम गया था गाइस सब। एक चीज बताऊँ आपको गाइस, में जो हमारी गाड़ी है ना, जो गाड़ी का जो वाशर फ्लूइड होता है ना जो उस ग्लास को साफ करता है भाई, वो भी पूरा जम गया है, इसके अंदर पूरा पानी जम चुका है। खोलिए गेट बेटो, बोतल वो ये पानी है ना हमारे गाड़ी के अंदर था, गाड़ी के अंदर ही पानी देखो जमा हुआ है, देखो ये देखो ये देखो गाइस, देख रहे हो ये पानी जम गया गाइस, देख लो भाई कितनी ठंड है ना गाइस, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो गाड़ी के अंदर पानी जम गया है। तो गाड़ी को हम ना बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना वही डर है कि कहीं डीजल वीजल भी ना जम जाए, तो इसलिए अपना निकल रहे हैं दिल्ली के लिए भाई। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा, तो मैं गाड़ी के अंदर आ रहा हूँ। अच्छी बताऊँ आपको, फ़ोन की बैटरी है ना ऐसे जा रही है, मतलब 10.5 मिनट ढका ढक गिर रही है, इतना टेम्परेचर डाउन है, और हाई एल्टीट्यूड की वजह से ना सारे गैजेट्स जो है अपने सब डाउन हो चुके हैं, सबकी बैटरी डाउन हो चुकी है यार, एक एक चीज़ सबको लगा दिया है, चार्जिंग देखो सारे चार्जर पर लगे हुए हैं गैजेट्स। और हम निकल गए अपना किलोंग के लिए, किलोंग जाएंगे देन उसके बाद सीधा टांडी, और देन फिर उसके बाद अपना जाएंगे सिसु और मनाली। और चल रहे भाई देख लो क्या, मतलब यार सीनरी तो ज़बरदस्त है, क्या व्यूज़ हैं गाइस देख लो। अब यहाँ से निकल रहे हैं, और रास्ते चेक करो आप कितने डेंजर रास्ते हैं, ये जो एरिया है ना ये यहाँ से ना, मतलब ये है भूस्खलन वाला एरिया है, इसको कहते हैं हिंदी में भूस्खलन, स्टोन प्लेटिंग, स्टोन प्लेटिंग कहते हैं इंग्लिश में कह सकते हो। तो गाइस यहाँ से ना पत्थर वत्थर गिरते रहते हैं, और ये देखो यार क्या कटिंग करके बनाए रास्ते जो बनाए ना भाई बीआरओ ने, जबरदस्त बना रखे हैं। ये चेक करो देखो ये पूरा है ना स्नो वाटरफॉल जम गया भाई, ऐसे जगह धीरे निकाला करो गाइस, देखो कितना जम गया पूरा। और भाई इस चीज़ का डर था जैसे ये पानी गिरा हुआ ना, ये देखो ओ भाई सामने देखो गाइस, देख रहे हो ये पूरा वाटरफॉल जम गया है, रोको भाई ये देखो गाइस, ये ऊपर से जो पानी गिर रहा है ना धीरे धीरे बूंद बूंद करके, ये वो जम गया है गाइस, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखो गाइस पूरा जम गया है, फुल वाटरफॉल जम चुका है,
ओ भाई जी, इस समय टेम्परेचर जो है 7-8 डिग्री टेम्परेचर है, उसकी वजह से पूरा जम गया माइनस में। माइनस में 7-8 डिग्री है भाई। भाई सांस लेने है ना, ऐसा लग रहा है ठंडी हवा अंदर जा रही है फेफड़ों के अंदर गाइस, जबरदस्त। भाई ये खड़ी अपनी गाड़ी और सामने का पहाड़ देखो आप, सामने पहाड़ों पे पूरी बर्फ जमी पड़ी है गाइस, जबरदस्त लग रहा है। भाई देखो अपनी गाड़ी खड़ी है ब्लैक बीस्ट, और भाई साहब ये 4x4 गाड़ी का यार ये तो मजा है कि ना आप कहीं भी ले जा सकते हो कहीं भी, इसीलिए भाई 4x4 गाड़ी जो होती है पैसा वसूल गाड़ी है, नो लिमिट्स हाइट्स की, नो लिमिट्स होती है गाइस। इधर सूखा पहाड़ और इधर बर्फ वाला पहाड़, दो पहाड़ हैं, दो भाई हैं ये, दोनों में से एक भाई के ऊपर बर्फ पड़ी है और एक भाई देखो सूखा है, ये देखो बगल वाला सूखा और ये बगल वाला कितना बर्फ पड़ी हुई है, और घाटी देखो गजब जबरदस्त फील आ रही है यार। चल रहे हैं भाई, जब आ गया ऐसे ऐसे नज़ारे मिल रहे हैं हर मोड़ पे ना, एक अलग नज़ारा मिलता है, एक अलग व्यू मिल रहा है भाई। तो गाइस ये देख लो, दो पहाड़ों को काट के बनाया गया, ये पहाड़ काटा गया, ये पहाड़ गिरा है, आई डोंट नो ये इसी का हिस्सा है। ये देख रहे हो ये पहाड़ का हिस्सा है शायद ये, और भाई रास्ता बनाया गया बीच में से काट दिया गया और नीचे गिरा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा है भाई, और ये नीचे जब जाते हैं ना किलोंग वहाँ रास्ते में पड़ता है ये, और यहाँ पर ना पथरीला इलाका है भाई, यहाँ पत्थर गिरते रहते हैं और निकल रहे हैं भाई हम भी। तो मैंने ये रुक गया था इसको दिखाने के लिए कि भाई ये देखो ये पहाड़ है, ये आधा पहाड़ इधर पड़ा हुआ है और आधा पीछे है, सो इसको काट के रास्ता बनाया भाई, ज़बरदस्त भाई। बीआरओ को सल्यूट है, ऐसे ऐसे काम करती है बीआरओ, और यहाँ तो बीआरओ ही करती है भाई, और बीआरओ ने जो रोड बनाया ना ज़बरदस्त रोड बना रखा है गाइस। गाइस फाइनली हम किलोंग पहुँच गए हैं, आगे है किलोंग का बोर्ड और ये सारा किलोंग विलेज है, ये काफ़ी बड़ा विलेज है, जैसे जिस्पा है उसी तरीके से बड़ा विलेज है ये, पीछे बीच में एक और विलेज पड़ा था, कौन सा था वो, स्टिंगरी करके पड़ा था, वो भी अच्छा विलेज था, और ये भी बढ़िया काफ़ी अच्छा विलेज है भाई। पहुँचने वाले हैं अब हम किलोंग में, आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, अगर आप जैसे पेट्रोल भरवाना चाहते हो तो वहाँ से पेट्रोल वगैरह फिल करा सकते हैं, पेट्रोल स्टेशन में आपको दिखा दूंगा आगे, जस्ट यहीं पे है पेट्रोल पंप। गाइस ये किलोंग विलेज काफ़ी अच्छा शहर है, और भाई आबादी काफ़ी हो है, कम से कम यहाँ पे होगी 4-5 हज़ार लोगों की आबादी है, ज़्यादा भी होती है, और काफ़ी अच्छे एल्टीट्यूड पे है ये भी, 7-8 हज़ार की एल्टीट्यूड पे ये भी बसा हुआ है, और पेट्रोल पंप भी है यहीं पर ही आसपास। देखो भाई यहीं पे गाड़ी खड़ी हुई है हरियाणा की, और यह 4 नंबर गाड़ी हम यहाँ रखी है। इस फाइनली हम एंटर हो रहे हैं अपना टांडी ब्रिज के लिए जा रहे हैं, और यहाँ से टांडी रह जाता है तकरीबन 6 किलोमीटर और तकरीबन अपने को लगेगा 10 मिनट और टांडी पहुँच जाएंगे, फिर टांडी ब्रिज आपको दिखाऊंगा मैं। गाइस वी आर एंटर्ड ऑन टांडी ब्रिज, तो भाई ये टांडी ब्रिज है गाइस, देख सकते हो आप काफ़ी फेमस है ब्रिज टांडी ब्रिज, और ये टांडी गाँव के पास बना हुआ है ना, ये देखो भाई सारा बंद है इधर, ये सारी दुकानें वकानें सब बंद है, देख रहे हो आप सब कुछ बंद है, मार्केट पूरा एरिया बंद है, क्योंकि क्या ऑफ सीजन है, यहाँ भी कोई नहीं आ रहा है देख लो, और किलोंग और जिस्पा तो इससे बहुत ऊपर है भाई, कम से कम यहाँ से 30-30 किलोमीटर के ऊपर होगा, और यहाँ पे शायद स्नो गिरी है क्या, हाँ यार सुन हो सकता है, तो गाइस देख लो जबरदस्त, तो शीशे में स्नो गिरी होगी रात को, हाँ हो सकता है। तो गाइस फाइनली वी आर एंटर इन द सिसु, और भाई सिसु विलेज में आ गए, और देखो भाई ऊपर देखो पूरा वाइट हो रखा है उधर वाला पहाड़, और इधर वाला पहाड़ सूखा है, उधर का पहाड़ एकदम वाइट हो रखा है, लग रहा है रात में भी ऊपर की तरफ स्नोफॉल हुआ है, बट नीचे नहीं हो रहा, ऊपर हो रहा है पहाड़ों के ऊपर वहाँ हो रहा है, पर नीचे की तरफ स्नोफॉल नहीं हो रहा, यही दिक्कत हो गई है भाई, सही स्नोफॉल नहीं मिल रहा यार गाइस, देखते हैं कब तक नहीं मिलता है भाई, जब तक नहीं मिलेगा देख ढूंढते रहे। तो भाई ये अपना सिसु विलेज, तो सिसु विलेज तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखा है, जो भी मतलब अटल टनल तक आता है वो सिसु तो ज़रूर ही आता है भाई, और ये सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि अच्छा विलेज है, और सबसे नियरेस्ट है फॉर अटल टनल, मोस्ट विजिटेड, और सबसे ज़्यादा क्या नाम है मतलब अटल टनल के सबसे ज़्यादा पास है ना, तो इसलिए, और स्नो भी यहाँ ज़्यादा पड़ती है, सो गाइस ये टूरिस्टेबल प्लेस ज़्यादा है, यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आता है, और अच्छा विलेज है भाई। सो हम भी अपना फाइनली पहुँच गए हैं सिसु विलेज में ही ना यार, कुछ नाश्ता पानी करेंगे, थोड़ा बहुत कर तो लिया था, ब्रेकफास्ट तो हुआ था, और ब्रेकफास्ट के बाद है ना आप सोचा डिनर लंच कर लें, लंच जरूरी है करना, क्योंकि यार भूख लग गई है बहुत तेज, और चक्कर आ रहे हैं गोल गोल पहाड़ों में घूम के ना, सफोकेशन हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो इसलिए ना थोड़ा सा वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है, बट लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम टाइम पर ना
थोड़ा थोड़ा मील लेता रहना चाहिए आपको, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मील लेते रहोगे आप तो आपका है ना बॉडी का टेम्परेचर और सब कुछ है ना मेंटेन रहेगा, तो उससे आप अपना ईजिली अपना ट्रेवल कर सकते हैं। सो गाइस अब पहुँच रहे हैं और नीचे की तरफ शिशु में पहुँच के अपना कुछ खाते हैं। चल चल चल, सो गाइस कुछ खाएंगे, बहुत तेज भूख लग रही है, खा लेंगे, चाय पी लेंगे, जो भी है देख लेंगे, जैसे भी आएगा भाई। तो नहीं पड़ी, सही है भाई, नहीं पड़ी, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, स्नोफॉल वगैरह कुछ नहीं हुआ गाइस, थोड़ा बहुत हुआ है तो उधर पहाड़ पे हुआ है, ऊपर वाले पहाड़ पे हुआ है, पहाड़ के ऊपर हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ, स्नोफॉल नहीं मिला गाइस, कहीं पर भी नहीं मिला गाइस, बड़ा दुखी हूँ मैं गाइस, मेरा दर्द कोई ना जाने, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ गाइस, क्योंकि मुझे स्नोफॉल नहीं मिल रहा है गाइस, मैं बहुत परेशान हूँ गाइस, क्योंकि मैं आया था इसी उम्मीद में कि गाइस मुझे स्नोफॉल मिलेगा तो मैं कुछ शूट करके दिखाऊंगा आपको भी और अपने लिए भी कुछ मेमोरीज क्रिएट करूंगा, कोई नहीं, जब नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा मौका मिलेगा तो देन आएंगे, फिर स्नोफॉल दिखाएंगे आपको भी और खुद को भी देखेंगे। फील गुड है भाई, फील गुड है भाई, वाइट चादर देख रहे हो सामने यार, क्या मस्त लग रही है भाई, इसके ऊपर इसके ऊपर जो पड़ रहा है ना सोना, स्नो पड़ रही है वो एकदम चमक रही है धूप से, तो एकदम गजब व्यू आ रहा है गाइस, गजब जबरदस्त। और देखो भाई सेंट्रो लेके बंदे आ गए हैं, हम भी आए थे एक बार पहले सेंट्रो लेके अपनी, तो यहाँ तक तो सेंट्रो आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो अगर बर्फ़ ना पड़ी हो वहाँ पर अटल टनल के बाहर तो आपको आने देंगे, अगर अटल टनल के बाहर बर्फ़ पड़ी है ना तो गाइस आप लोगों को फोर व्हील ड्राइव ही होनी चाहिए या फिर रियल व्हील ड्राइव हो तभी आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। ये वाटरफॉल देख रहे हो भाई, शिशु के पास पड़ता है, पूरा जम गया है ये वाटरफॉल, जबरदस्त हो रहा है भाई, बर्फ़ देखो कितनी पड़ी हुई यार, ये अटल टनल वाले पहाड़ पे ना बहुत बर्फ़ होती है इस पहाड़ के ऊपर, और जस्ट उसके सामने वाले जो पहाड़ है वो एकदम सूखा रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा, क्या सीन है, कुछ है कुछ ना कुछ तो कहानी है इसके पीछे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी मैं चल रहा हूँ सीधा, निकल रहा हूँ भाई यहाँ से और अटल टनल एंटर करते हैं, और अटल टनल से एंटर करने के बाद फिर सीधा निकल जाएंगे मनाली पॉइंट है, यहाँ पे 300 रुपये की पर्ची लेते हैं, अगर आपकी बड़ी गाड़ी है ना तो 300 रुपये और छोटी गाड़ी तो 200 रुपये की पर्ची कटती है, देन तब जाके आपको आगे एंटर करने दिया जाता है। और देखो भाई स्नो गाइस, स्नो पे चल रही है गाड़ी, एकदम मस्त एरिया है भाई, ये जम चुकी है, ब्लैक आइस हो चुकी है, कुछ मजा नहीं आ रहा। सो गाइस देखो हम फाइनली अब जा रहे हैं, अटल टनल को क्रॉस करेंगे, अब एंटर करने वाले हैं, और ये देखो भाई इधर का पहाड़ सूखा है, इधर का पहाड़ पूरा मतलब वाइट चादर से ढक गया है, पूरा स्नो से ढक गया है, और देख लो गजब भाई, पूरा गजब हो रहा है। और अगर आपको स्पीति जाना है ना तो यहीं से है ना दो रास्ते कटते हैं, जिससे हमारे वो तो अपना ले वाला रास्ता है, और देन वो जो सामने जा रहा है ना रास्ता, इधर से जो जा रहा है ये जा रहा है स्पीति के लिए, अगर आप स्पीति वैली करना चाहते हो तो इधर से जा सकते हो, इधर काफ़ी भीड़ है इधर भी भाई, हम जा रहे हैं सीधा अपना अटल टनल के लिए, जब स्पीति करेंगे ना गाइस तो इधर जाएंगे, अब जाने का मतलब नहीं है, वही वाला पोपट कट जाएगा गाइस अपना, जैसे इधर कटा था पोपट तो हम नहीं चाहते अपना पोपट हो। सो अब फाइनली हम ब्रिज पे एंटर हो गए हैं, और ये ब्रिज है भाई जो अटल टनल को और इधर जो इधर वाले ब्रिज रास्ते हैं उनको जोड़ता है ये। देखो इधर देखो गाइस कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, बंदे इधर जा रखे हैं नीचे की तरफ, लेट जाते थे गाइस, तुम बर्फ में स्कीइंग कर रहे हैं गाइस, यहां आ गए हम जबरदस्त, अगर स्नोफॉल होते ना तो यहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता है और अलग ही वाइब होती है और अलग ही नज़ारा होता है गाइस यहाँ पे, बट हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं अपने साथ में, कोई बात नहीं। और भाई सामने अपने अटल टनल रोहतांग, और निकल रहे हैं भाई अपना गाड़ी लेके हम लोग, यहाँ नहीं रुकेंगे, चलो 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 भाई, ये फाइनली एंटर कर रहे हैं, ये 10,075 फीट की अल्टीट्यूड पे है भाई ये अटल टनल, और ये 15 मिनट की टनल है गाइस, ये 15 मिनट लगते हैं इस टनल को पार करने में, 9 किलोमीटर ऐसे कुछ की टनल है, और इसमें एंटर कर गए हैं, अब निकलते हैं सीधा बाहर की तरफ, तो भाई एंजॉय करो आप जो सिनेमेटिक व्यूज हैं उनको एंजॉय करो। सो गाइस फाइनली 15 मिनट के ड्राइव के बाद हम पहुंच रहे हैं अटल टनल एग्जिट पॉइंट पे, जो कि इसका साउथ पोर्टल, अभी यहां से भी तकरीबन 500 मीटर रह रहा है, और भाई 15 मिनट से ड्राइव कर रहे हैं हम इस टनल के अंदर, क्योंकि स्पीड इसकी है ना 60 की मेंटेन करनी पड़ती है, और ये फाइनली आ गए हैं भाई बाहर, उधर भी बाहर, इसके मनाली के मदर फादर की जय, जरा से भी हमको बर्फ नहीं मिला है, इसकी माँ का फादर मारूं मैं भाई, यहाँ पे बिल्कुल भी बर्फ नहीं है गाइस, बिल्कुल भी बर्फ नहीं है, और यार सूखा इधर तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है यार, सबसे बड़ी बात है गर्मी ज्यादा है,
भाई ने अपना एक घंटे से वेट किया है, भाई का धन्यवाद, क्योंकि यार यही होती है यारी दोस्ती। डर रहता है कि नीचे जब उतरते हैं ना तो साला जाम में, यही डर था। अटल टनल के बाद से ना जाम में निकल रहे हैं अब अपना नीचे मनाली के लिए। तो हमने काफ़ी खेच लिया गाड़ी और अब पहुँच रहे हैं नीचे, जब मिलते हैं गाड़ी चला रहे हैं और जा रहे हैं। और पहाड़ों में आपको पता ही है जब ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं ना तो और ज़्यादा मतलब थक जाता है, इसलिए रेस्ट कर लिया भाई आ गए हैं अपने रेस्ट सीट पर, मोड़ते हैं और चलते हैं गाड़ी को। रास्ते बड़े जबरदस्त है यार, ये रास्ते आते हैं, आप फील करो और मिलता हूँ आपको मनाली। फाइनली हम मनाली को क्रॉस कर चुके हैं और हम जा रहे हैं को अप्रोक्स मनाली पहुंचने में 3 घंटे लगे डारचा। हम तकरीबन 10 बजे डारचा पे थे हम, और अभी इस समय जो वो बजे हैं 2 बजे। तो भाई 2 बजे यानी अप्रोक्स कितना टाइम हो गया भाई, 4-5 घंटे करीब, 4 घंटे हो गए अपने। और ऊपर है ना भाई पहाड़ी वाला एरिया, पहाड़ी वाले एरिया में तो आपको पता ही गाड़ी कैसे चलती है। तो गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं कुल्लू। तो गाइज ये देख रहे हो आप साइड में पूरा का पूरा टूट गया है गाइज ये, और अभी पहले डबल लेन हुआ करता था, अब ना सिंगल लेन भी बड़ी मुश्किल से हो गया है। पूरा पूरा टूट गया पूरा, उधर मलबा देख रहे हो आप नदी के दूसरी साइड, पूरा मलबा जो बह रहा था ना ये सारा मलबा इसी रोड का है जो बह के उस साइड गया है ये। और आगे भी ऐसे ऐसे पैच आएंगे ना, इतने खतरनाक पैच हैं जो मतलब देखते आदमी अगर उस समय देख लेना हम लोग जिस टाइम ये हुआ था भाई, बहुत ख़राब हो गया उन लोगों पर, बहुत ड्रावनी ट्रेजेडी हुई थी यहाँ पर भाई, बहुत बड़ी वाली। और जो भाई मनाली की ब्यूटी है ना वो तो भाई अपने आप में देखने में बनती है ना भाई, लेकिन सब बर्बाद हो गया था। आपदा के सामने भाई कुछ नहीं दिखता, ये दिखा दिया था कि भाई परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। भाई हम यहाँ आए सालासर, श्री सालासर पे भाई, प्योर वेज भाई, खाना खाया ज़बरदस्त खाना था इसका बंदे का। और भाई निकल रहे हैं अपना दिल्ली के लिए, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड। तो भाई हो जाता है कभी कभी ऐसा भी ना कि जो चीज़ आप चाहते हो वो नहीं मिलती। तो गाइस तो ट्रिप कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा से, देखो भाई मेहनत चल रही है गाइस, चमका दो चमका दो। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं अपना घर के लिए, टाइम हो रहा है 4:19 और अब हम पहुंचने वाले हैं कुल्लू। कुल्लू यहाँ से तकरीबन रह जाता है 15 किलोमीटर के आसपास रह जाता है, तो जो खाने पीने में टाइम लगा 1.5 घंटा वो लगा भाई। और अब सीधा स्टॉप हम लेंगे जो वो आगे जाके लेंगे कहीं, मतलब देखते हैं कहाँ लेते हैं, लंबाई खींचेंगे गाड़ी को कम से कम 100-150 किलोमीटर का गाड़ी चलाने के बाद ही गाड़ी को हम अपना स्टॉप करेंगे। तो अब चल रहे हैं भाई, देख लो भाई शाम का मौसम है, सूरज सनसेट होने के लिए जा रहा है, 1 घंटे बाद सूरज भी सनसेट हो जाएगा, जो सन है वो सेट हो जाएगा, सूरज छिप जाएगा भाई, सीधी भाषा हिंदी भाषा में सूरज अपना छिप जाएंगे देवता और शाम हो जाएगी रात हो जाएगी। सो भाई निकल चुके हैं फाइनली, मिलते हैं आपको आगे। और तब तक आप ये नज़ारे देखिए मनाली के, तो मनाली में जो नज़ारे हैं भाई गजब है, रोड भी गजब है, दोनों तरफ पहाड़ होते हैं उनके बीचों में सब निकल रहे हैं और बगल में बह रही है हमारे नदी। हेलो गाइस, दोस्तों देखो अभी हम पहुंच चुके हैं टनल के अंदर, जो कि ये अपने को कुल्लू मनाली के बाद ही पड़ी है कसोल से पहले, और कसोल अभी यहाँ से 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रह जाता है, उससे पहले ही अपने को ये मिल गई टनल। और ये ऐसी टनल है यार, आधी अधूरी से टनल है, मतलब है तो ये काफ़ी लंबी है, 3-4 किलोमीटर लंबी है, बट लेकिन इसको ना आधा अधूरा, मतलब ऐसे कि इधर होता है ना बैल कंस्ट्रक्शन करते हुए, ऐसा नहीं है ये, कि अंडर कंस्ट्रक्शन सी है भाई, अजीब सी लगती है ये। भाई कुछ टाइम बाद जब ये चालू हो जाएगी ना ऊपर के टनल का काम बच रहा है, ये पूरा रोड का काम तो पूरा बन गया, ऊपर जो है ये फ्लाईओवर बन गया है भाई, जाने वालों के लिए नीचे से होगा और आने वालों के लिए ऊपर से होगा गाइस। तो आने वाले बंदे ना ऊपर से जाएंगे सीधा टनल घुसेंगे और जाने वालों के लिए नीचे से रहेगा। सो गाइस डबल लेन हो जाएगा ये गाइस, मज़ा आ जाएगा ना भाई। तो गाइस वेलकम बैक टू इन द न्यू टनल, जो कि
पूरी कंस्ट्रक्टेड है और देखो अंदर पूरा इसको कहते हैं वेल कंस्ट्रक्टेड टनल, इसमें जो लाइट है वाइट पूरी लगी हुई है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है और भाई वो वाली तो अंडर कंस्ट्रक्शन टनल ही खोली उन्होंने भाई, जबरदस्त टनल है ये, इसमें आपकी स्पीड भी मेंटेन कर रहे हैं, 50 की स्पीड मेंटेन करनी होती है गाइस, तो हम भी अपना 45 स्पीड पर चल रहे हैं। उसके बाद मनाली आने वालों के लिए ना तो भाई चांदी कटने वाली है, जो भी सफ़र है ना दिल्ली से मनाली का तकरीबन लगता है 12-13 घंटे ना, उसके से 8-7 घंटे में कवर होने वाला है और ज़बरदस्त हाईवे बन रहे हैं भाई, एकदम टनल टू टनल काम चल रहा है बिल्कुल। तो गाइस जब तक हम भी वेट करते हैं आप भी वेट करो। तो गाइस ये सुंदरबन से 5-7 किलोमीटर पहले पड़ती हैं और भाई ये सारी है ना टनल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 करके मतलब 4-5 टनल एक साथ आती हैं, जिससे कि ना भाई रास्ता काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये चंडीगढ़ तक ऐसी मिलेंगी भाई अपने को और ज़बरदस्त भाई, उसके बाद ना रास्ता बहुत इजी हो जाएगा निकल रहे हैं भाई इनसे, और यार मतलब काफ़ी अच्छी बना रखी है जिससे ना बहुत इजी हो गया है भाई मनाली को रीच करना, ज़बरदस्त है भाई। तो निकल रहे हैं और चलते हैं भाई आगे, मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम पंजाब में ऑफिशियली एंट्री होने वाले हैं और ये पंजाब से पहले टोल पड़ता है, तो बॉर्डर है ये पंजाब का और हिमाचल प्रदेश का। तो गाइस अभी जैसे ही एंटर हो रहे हैं देखो सामने कोहरा आ गया गाइस, जैसे ही पंजाब आ रहे हैं ना ऐसे ही कोहरा गाइस, पंजाब और कोहरे की दोस्ती बड़ी तगड़ी है गाइस। देखो कोहरा देखो गाइस कितना है भाई साहब, जबरदस्त कोहरा हो रहा है गाइस, देख रहे हो जैसे ऑफिशियली एंटर हुए हैं पंजाब के अंदर कोहरा आ गया और विजिबिलिटी जो है ना भाई वो 1 किलोमीटर की भी नहीं रही एकदम। देखो पंजाब का नाम घटा गया कोहरा जाप ने, सही बोलता है यार, पंजाब का नाम बदलना पड़ेगा मेरे को, कोहरा जाप करना पड़ेगा ठंड में, क्योंकि पंजाब में भाई कोहरा बहुत ज्यादा है। देख रहे हो गाइस चेक करो, देखो कोहरे में ना विजिबिलिटी देखो, ये जो आगे गाड़ी जा रही है ना मुझसे मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पे, लेकिन आपको नजर भी नहीं आ रही होगी इसकी लाइट बैक लाइट, देख रहे हो गाइस कितना कोहरा है। आगे 3 गाड़ियां जा रही हैं पर तीनों में से ना फिर पीछे वाले की बैक लाइट जब जलती है ना ब्रेक लगाता है तभी दिखती है, वरना तो दिख नहीं रहा, देखो कितना कोहरा है यार। सो गाइस अगर अभी आप आ रहे हो ना रात में अवॉइड करो गाड़ी चलाना, अगर ज्यादा ही इमरजेंसी है या कुछ अच्छे नहीं है अच्छा है तो तभी आप आओ, वरना तो भाई अवॉइड करो रात में ट्रेवलिंग के लिए पंजाब में खासकर, वैसे आप कर सकते हो पर पंजाब को भाई अवॉइड करो, पंजाब है ना दिन में निकालो या जैसे भी हो पर केयरफुली चलो भाई। गाइस अभी 9 बजे हैं और देखो सामने भी ट्रक चल रहा है, इधर दोनों लाइन में ट्रक है पर दिख नहीं रहा होगा आपको गाइस कितना कोहरा है। देख रहे हो ये पंजाब में अभी जस्ट ऑफिशियली एंटर हुए हम और देख लो यार कितना कोहरा है गाइस, इधर भी ट्रक है ट्रक है ट्रक ट्रक, इसके ट्रक के पीछे पीछे ट्रक के पीछे ले ले इस वाले ट्रक के पीछे ले ले जो ये वाला ट्रक है, हाँ चल रहा है ना इसी के पीछे ले ले इसी के पीछे ले ले भाई, देख लो कितना कोहरा है एकदम से, बहुत कोहरा है भाई ये तो भाई साहब जबरदस्त कोहरा है गाइस, जरा कुछ भी और मतलब 50 मीटर की विजिबिलिटी नहीं है गाइस, देख लो आगे वाली गाड़ी का दीपर दिख रहा है आपको, बस वही दिख रही है और कितना है 100 मीटर क्या 50 मीटर की स्पीड नहीं है, धीरे चलाओ, हम तो भाई 40 की स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं और आगे वाली गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं भाई हम लोग। चलो 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 गाइस करतारपुर साहिब आने वाला है, करतारपुर साहिब से पहले ही देख लो इतना कोहरा है, पंजाब में करतारपुर साहिब आने वाला है अभी थोड़ी बहुत देर में और उससे पहले देख लो कितना कोहरा है यार इस समय ना, मतलब यार एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है इस समय, कोई कुछ दिखता ही नहीं है गाइस, ये देख लो अभी है ना आगे चलते रहेंगे अभी देखो कम हो गया थोड़ा बहुत पर, लेकिन जैसे ही आगे जाएंगे और तेज कोहरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, देखो ट्रक खड़े हुए साइड में दिख नहीं रहे, दूर से नहीं दिख रहे गाइस, पहाड़ों में ना स्नो नहीं मिल रही पर लेकिन नीचे ना कोहरा जबरदस्त मिल रहा है। अब यार ये स्नो ही बन जाती है ऊपर जाके तो मजा ना आ जाए, अरे तुम ऊपर जाके स्नो बनो और जाके वहाँ पे बरसो तो लोगों के पैसे वसूलो या नीचे क्या मतलब है कोहरा पोरा करने का भाई, अगर ऊपर स्नोफॉल हो जाए तो कोहरा खत्म हो जाएगा, हाँ अगर स्नोफॉल हो जाएगी तो गाइस तो कोहरा खत्म हो जाएगा गाइस, बहुत ज्यादा रिस्की है इस समय ना गाड़ी ड्राइव करना, और भाई देखो बाल बाल सब अजीब से हो गए हैं क्योंकि क्या है ना टॉप ऑपर लगा रखा भाई और मफलर वफलर पहना है, ठंड बहुत ज़्यादा है इस समय, जो टेम्परेचर दिखा रहा है ना वो यहाँ पंजाब में भी 8 डिग्री है, 8 डिग्री टेम्परेचर पंजाब के अंदर दिखा रहा है, दिल्ली में पता नहीं कितना टेम्परेचर है वो तो पता नहीं भाई, दिल्ली जाके पता चलेगा, आप लोग कमेंट करना। आज है शनिवार और टाइम हो रहा है रात के 9 बजे अभी गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ 9 बजे रखे हैं और 9 बजे के टाइम पर देखो कितना कोहरा है, और रात में तो यार कोहरा बढ़ जाएगा ये, जब हालत ख़राब होने वाली है, अब सारी ड्राइवें मान के चलो कोहरे में ही होने वाली है, दिल्ली तक ये कोहरा ही कोहरा मिलेगा अपने को। चेक करो देखो कितना कोहरा है, ये रोड है, रोड दिख रही है गाइस आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा रोड पे, देखो गाड़ी जा रही है कितना कोहरा है, रात के अभी 9 बजे हैं और ये देखो ये ढाबा है भाई, ढाबे पे खड़ा हूँ मैं और ढाबे पे भी दिखाई नहीं दे रहा, देखो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा और देखो गाड़ियाँ आ रही हैं, देखो ये जा रही है, कुछ नहीं दिख रहा भाई, विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है गाड़ी पे, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और हम लोग भाई अभी है ना गाड़ी पे ये पीली पन्नी लगाएंगे, ये देखो
ये देखो सामने से गाड़ी आ रही है, कुछ दिख रहा है? ये देखो ट्रक जा रहा है और ये देखो गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है भाई। देखो कुछ दिख रहा है, ट्रक दिख रहा है? मैं इतने पास खड़ा हूँ, अब जाके मुझे ट्रक दिखा है। तो भाई देख लो कितना कोहरा है, ज़बरदस्त कोहरा, और ये चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। अब मैंने वाइट पीली पन्नी लगाएंगे, इससे क्या कहते हैं कोहरे को काट देती है। देखो इसे लगाने के बाद काफ़ी थोड़ा तो ठीक हुआ है भाई। देखो चलो इसको लगाते हैं और देखते हैं भाई, दोनों पे लगाते हैं, इन दोनों पे भाई, टेप है और ये पन्नी है। भाई देखो हमने लाइट पे ना येलो पन्नी लगा दी है, फोग लाइट पे भी लगा दी है और ऊपर भी लगा दी है, दोनों तरफ लगा दी है। और भाई इसके बाद अब थ्रो काफ़ी अच्छा हो गया है इसका, कुछ हद तक तो हुआ है। अब देखो कोहरा में दिख रही है लाइट, और ये देखो सामने की तरफ येलो येलो लाइट दिख रही है। तो भाई देखते हैं, लोग कहते हैं इसको येलो लाइट लगा पन्नी लगानी चाहिए, हमने भी लगा दी है। अब देखते हैं भाई क्या इसकी थ्रो आती है, किस तरीके का इसका रिफ्लेक्शन आता है, किस तरीके से ये काम करती है। तो चलते हैं और देखते हैं भाई। गाइस इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है, अब देखो थ्रो देखो गाड़ी का बहुत अच्छा दिख रहा है भाई, पहले से ज़्यादा। तो गाइस देखो अब कितना ज़्यादा रोड पे क्लियर हो गया है पहले वाले से, और अब मैं देखो कितनी इंप्रूवमेंट है, आप खुद ही कमेंट करके बताओ कि भाई कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रही है। अब दूर तक का मुझे दिख रहा है, और अब आपको कोहरा नज़र भी आएगा, पहले कोहरा नहीं दिख रहा होगा ना, आप कह रहे हो भाई ऐसे बोल रहा हूँ शायद। अब देखो कोहरा सब कुछ नज़र आ रहा है, दूर तक दिख रहा है भाई क्या है क्या नहीं है। पर फिर भी गाइस ऐसा नहीं है, फिर भी गाइस ऐसा नहीं है कि आपने पन्नी लगा ली तो आप स्पीड में भाग रहे हो, नहीं, कंट्रोल में चलना है, तरीके से चलना तभी है। ये तो बस पता नहीं क्या है कि थोड़ा मतलब ये है कि येलो येलो रहे। सो गाइस निकल गए हैं और देखते हैं कहाँ तक इम्प्रूवमेंट होती है, कितना कवर कर पाते हैं। सो गाइस चेक करो, देखो वाइट पन्नी लगाने का मतलब ये नहीं कि आप तेज़ चल सकते हैं। अभी देखो नीचे ना बस ये है कि नीचे जो मार्किंग है ना वो अपने को दिख रही है, फोग लाइट पे लगाने पे और फ्रंट लाइट पे दोनों पे लगा दी हमने, तो अब थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। पहले तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, एकदम मतलब पूरा वाइट हो रखा है चारों तरफ से, कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस, कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा एकदम पैक्ड है भाई। और ये देखो यहाँ पे थोड़ा कम है कोहरा, अब थोड़ा बहुत नज़र आने लगा है। गाइस चेक करो फाइनली, देखो कितना कोहरा बढ़ गया यार, यहाँ पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ब्रिज है इधर साइड में, वो भी नहीं दिख रहा है। देखो तो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये ब्रिज भी नहीं दिख रहा, बगल से गुजर रहे हैं हम ब्रिज के, और ये भी नहीं दिख रहा है। पंजाब के अंदर रोपड़ के पास है हम इस समय, और चंडीगढ़ से मुश्किल से अभी 20-25 किलोमीटर दूर होंगे अभी हम लोग, 30 किलोमीटर मान लो। और भाई इतना बुरा हाल है, इतना बुरा कोहरा पड़ रहा है भाई, ये तो ज़बरदस्त कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा। मतलब ये मान लो कि मतलब रेफरेंस से चल रहे हैं सभी लोग एक दूसरे के, और कुछ दिख नहीं रहा, मतलब आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस। और नीचे रिफ्लेक्टर जो है ना साइड के, वो हल्के फुल्के दिख रहे हैं, वो भी ज़्यादा 50 मीटर की दूरी तक दिख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हज़ार लाइट सबने ऑन कर रखी है और एक दूसरे का रेफरेंस लेके चल रहे हैं गाइस, कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस, कुछ भी, लिटरली यार मतलब फट रही है। मैं सीधे शब्दों में बोलूं भाई, देसी भाषा में, दिल्ली भाषा में, तो भाई फट रही है, लिटरली फट रही है, बहुत गंदी वाली, कुछ भी नहीं दिख रहा यार, कुछ भी। ऐसे में भाई एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं गाइस, भगवान करे सब जितने भी लोग जा रहे हैं सही सलामत जाएं और आराम से पहुंचे गाइस। हम भी चल रहे हैं आराम आराम से चल रहे हैं, और देखो इतना कभी कभी ना इतना ज़्यादा कोहरा आ रहा था, डीप कोहरा जिसे कहते ना, एकदम मतलब गंदे वाला कोहरा, कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो ऊपर लाइटें है ना, लाइटें भी नीचे तक नहीं पहुँच रही, इतना कोहरा है। जो ये स्ट्रीट लाइट है ना, जो रोड पे लाइटें लगा रखी हैं, इनका जो रोशनी है वो भी नीचे नहीं आ रही गाइस, इतना कोहरा है गाइस। देखो टोल आ गया है, 100 मीटर की दूरी भी नहीं है टोल के, टोल भी नज़र नहीं आ रहा, दिख रहा है कहीं आपको टोल दिख रहा है? देखो टोल पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, दिख रही हैं, ये देख लो गाइस, ये टोल है और टोल पे गाड़ियां भी नहीं दिख रही, कौन सी लेन में जाना है अपने को। ये देखो इतना कोहरा है, देख रहे हो भाई, टोल भी नहीं दिख रहा, लिटरली 100 मीटर की दूरी पे टोल है और टोल भी नज़र नहीं आ रहा यार, इतना ज़्यादा कोहरा है गाइस, बहुत ज़्यादा कोहरा है। तेल डलवा लेते हैं, क्योंकि है ना बहुत देर से हम पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे और मिला नहीं था, क्योंकि है ना अपनी रेंज बहुत कम रह गई है, मुश्किल से 50 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी भाई, आगे धुंध इतनी हो रही है, कोहरा जबरदस्त कोहरा हो रहा है। तो भाई हमने सोचा 800 मीटर, तो भाई अपना यहीं पर पेट्रोल पंप मिल जाए गाइस, मिल जाए फिर ये मिला भाई, वो बहुत लंबा फ्लाई ओवर था उसको उतरने के बाद में। तो अब डीजल डलवाते हैं गाड़ी में और ट्रेन फिर सीधा दिल्ली निकल जाएंगे, फिर अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी डीजल की, लास्ट टाइम डीजल डलवा रहे हैं और 3 बार डीजल रिफिल करा चुके हैं हम लोग, और ये 4th बार रिफिल हो रहा है भाई जब से हम निकले हैं दिल्ली से और वापस जाने में। तो गाइस अब डलवा के दैन निकलेंगे अपना सीधा दिल्ली के लिए। भाई डीजल ही डालना ओके, अरे यार गाड़ी का इंजन सीज हो जाता फिर कोई नहीं भरता। तो गाइस डीजल डलवा लेते हैं, फुल करवाएंगे पूरा डीजल, और तकरीबन आना चाहिए भाई 42-43 लीटर 44 लीटर के आसपास आना चाहिए। तो देखते हैं भाई डलवा रहे हैं। देखो ओस है ना पड़ रही है, तकड़ी वाली ओस पड़ रही है। देखो ये जो छीटे हैं ना सभी ओस के छीटे हैं, ये देखो ये सारे छीटे ओस के पड़े हुए हैं इसके ऊपर गाइस, ताज़ी ताज़ी ओस पड़ रही है। और देखो कोहरा कितना तगड़ा कोहरा हो रहा है, पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ मैं, वो देखो यार
कुछ नहीं नजर आ रहा भाई, विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है। देखो रोड पे गाड़ियां आ रही है, दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही। मैं कितनी दूर है अपना रोड यहाँ से, 100 मीटर भी नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं दिख रहा। गाइस देख लो चारों तरफ कितना कोहरा हो रहा है, पंजाब में ना जबरदस्त कोहरा हो रहा है। तो गाइस पंजाब अवॉइड करो इस समय, अगर पंजाब आना चाहते हो पंजाब मत आओ, और कुछ स्टेट चले जाओ घूमने जाना है तो। भाई बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई। लब अलब हो गया, देखो ऊपर तक कर दिया हमने पूरा, हो गया 4000 का हो गया पूरा। और 4000 रुपये का डीजल आ गया गाइस, डलवा लेते हैं भाई। कोहरा, वो कोहरा कह रहा हूँ अपना पूरा यार, कोहरा देख देख के ना दिमाग में कोहरा छा गया है। तो भाई अच्छे से विंडशील्ड साफ कर रहे हैं भाई, अभी तक की भाई ट्रिप पे ना पहली बार मेरे को ये विंडशील्ड साफ करने वाली फैसिलिटी मिली है। मैंने इतना बार पेट्रोल डलवाया आज तक नहीं मिली, फर्स्ट टाइम मिली है यार। थैंक यू भाई आप लोगों का यार ये फैसिलिटी रखने के लिए। निकल रहे हैं, चंडीगढ़ आ चुके हैं, अभी बज रहे हैं 10:30, 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। अब अपना यहाँ से सीधा निकलेंगे दिल्ली के लिए, तकरीबन अभी भी 2:30 बजे तक का टाइम दिखा रहा है, तो यानी 4-5 घंटे की ड्राइव और है, तो खतरनाक है भाई, खतरनाक वाला सीन। डीजल डलवा लिया है और 851 की रेंज आ गई है दोबारा से, और भाई 44-45 लीटर डीजल आया था। अभी हम चंडीगढ़ में इस समय फाइनली, और चंडीगढ़ में पहुँचे हैं यहाँ पे 10:30 बजे करीब। अब हम निकल रहे हैं भाई यहाँ से दिल्ली के लिए। गाइस फाइनली अब थोड़ा सा चेंज हुआ है ड्राइविंग का, मैं चला रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई भाई ने बड़े कंसंट्रेशन के साथ चलाई है, थोड़ा थक गया, फिर वो चलाएंगे, तो मैं ऐसे करके पहुँच जाएंगे भाई दिल्ली। तो अभी 2:30-3 बजे तक ड्राइव करनी है गाइस, अभी तो 4-5 घंटे ड्राइव हो रहा है, तो चल रहे हैं गाइस। ठीक है भाई, चलो गाइस सेक्टर के अंदर हूँ इस समय, और देखो कोहरा देखो। अब पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो तो केवल एक डेमो था, डेमो फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। देख रहे हो कितना कोहरा है गाइस, कुछ नहीं दिख रहा, पूरे चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लिटरली नजर नहीं आ रहा भाई। और कसम से फट रही है इस समय गाड़ी चलाने में, आप देख लो कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा हो तो बता देना यार, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, 50 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं है यार। एक ये भाई निकला है, ये भी चंडीगढ़ नंबर गाड़ी है, देखो कितना स्लो चल रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो बगल में होटल्स वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी लिटरली कुछ नहीं है, आ सकते हैं। सो गाइस फाइनली हमने अभी है अम्बाला का टोल पार किया है, अम्बाला पानीपत वाला। और गाइस यहाँ जैसे एंटर हुए ना तो फॉग की जो डेंसिटी है वो बिल्कुल कम हो गई है, मतलब ये मान के चलो यहाँ पे है केवल 30%। और भाई जब हम पीछे पंजाब में थे ना, ये हमने चंडीगढ़ मोहाली वाला जो क्रॉस किया है इंटर स्टेट हाईवे जो था भाई, वहाँ पे तो है ना, मतलब ये मान के चलो 99% डेंसिटी थी, बस केवल 50 मीटर की विजिबिलिटी नहीं थी। और आप यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ तो ऐसा लग रहा था दिल्ली में होता ना नॉर्मली कोहरा, ऐसा कोहरा है। सो गाइस अब फाइनली हम निकल चुके हैं, अब रास्ते में कहीं रुकेंगे भाई, वहाँ पे ना डिनर करेंगे, डिनर क्या करेंगे, लेट नाइट डिनर हो जाएगा, अब तो 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, 10-15 मिनट बाद 12 बज जाएंगे, देन उसके बाद वहीं मिलते हैं आपको गाइस। तो गाइस फाइनली ना पानीपत पहुँच गए हैं, ये है पंजाब हवेली के पास रुका हूँ गाइस, और ये अपनी गाड़ी खड़ी कर दी गाइस यहाँ पे। और भाई क्या बताऊँ, इतनी खतरनाक ड्राइव करके आया हूँ पंजाब में से ना भाई, आपने देखा ही होगा यार, पंजाब आना अवॉइड करो, मोहाली और चंडीगढ़ के आसपास का इलाका तो इतना खतरनाक हो गया ना भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जैसे एंटर करोगे और जैसे एग्जिट करोगे उसके बीच में ही फुल ज़बरदस्त आपको कोहरा मिलने वाला है, और हालत बहुत ख़राब है। तो भाई जा रहा हूँ मैं अंदर, अभी खाना वाना खाता हूँ, लंच क्या डिनर क्या मतलब लेट नाइट डिनर होगा, लेट डिनर कर रहा हूँ भाई, और अब जाके फिर आगे की जो जर्नी वो कंटिन्यू करेंगे। गाइस लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, तो मैंने पराठा मंगाया, चाय मंगाई, चाय ख़त्म हो गई, मैं भूल गया था भाई शूट करना, मैंने शूट किया ना, ये चाय है वो, सॉरी ये पराठा है, और देन हरी चटनी मिंट की भाई, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। तो बस एक ख़त्म कर चुका हूँ, दूसरा मंगाया और चाय मंगाई है, इसको फिनिश करता हूँ देन निकलते हैं भाई आगे, ज़्यादा भय भी नहीं कर रहे, क्योंकि गाड़ी चलानी है हम क्यों भाई। तो गाइस फाइनली अपना लेट नाइट डिनर कम्प्लीट हो गया, अब निकल रहे हैं भाई दिल्ली के लिए, नॉन स्टॉप जाएंगे, अब देखेंगे बीच में कोई स्टॉप लेंगे तो लेंगे, वरना गाइस सीधा निकलेंगे अब दिल्ली के लिए, तो चलते हैं। तो गाइस कहते हैं ना कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ चीज़ें खोनी पड़ती हैं, अभी हमने खाना खाया, तो गाइस देखो यहाँ हरियाणा में भी ना कोहरा आ गया, अभी पहले जब हम यहाँ पे खाना खाने रुके थे आपने देखा होगा, उस टाइम पे ना कुछ भी मतलब नहीं था, इतना नहीं था, साफ था, दिख रही थी विजिबिलिटी थी, देन अब देखो खाना खाने के बाद निकले, आधा घंटा पौना घंटा लगा अपने को, 1 बज गया, हम यहाँ पे रुके थे 12 बजे, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के अंदर देखो पूरा कोहरा छा गया। तो भाई ये पंजाब का कोहरा यहाँ तक आ गया, और हो सकता है दिल्ली तक भी गया हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, तो चल रहे हैं भी, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है कहाँ तक नहीं है गाइस। सो गाइस फाइनली दिल्ली में एंटर हो गए हैं, और भाई टाइम जो इस समय हो रहा है वो रहा है 3 बज रहे हैं, और हम इस समय एंटर हो गए दिल्ली के अंदर, और ये कौन सी जगह लगती है बता दो मैं आपको,
सो गाइस नरेला बॉर्डर से हमने एंटर कर लिया है और 3:06 के करीब हो रहे हैं और अब दिल्ली में एंटर हो गए हैं फाइनली गाइस। सो अभी अपने को आधा घंटा और लगेगा अपनी डेस्टिनेशन घर तक पहुंचने में। तो गाइस फाइनली पहुंचने वाले हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपना घर और भाई गाड़ी पार्किंग में लगा दी, जस्ट अभी पहुँचे हैं और अभी टाइम हो रहा है 4:00 में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और सारा सामान अभी गाइस गाड़ी के अंदर ही पड़ा हुआ है, दिखाता हूँ आपको। बस पार्क कर दी गाड़ी, रात हो गई भाई, तो सुबह इसके देखो सामान गाड़ी के अंदर ही पड़ा हुआ है, सारा सामान अभी ऑलरेडी ऐसे पड़ा हुआ है उल्टा सीधा। सामान सारा का सारा सीधे अनपैक करेंगे, इसको निकालेंगे सारा, अनलोड करेंगे गाड़ी से और अनलोड करने के बाद ये बंदा देखो अंदर आके लेट भी गया है। बाय, मैं जा रहा हूं सो जाऊं मैं। गाइस मैं भी अंदर सोने गया यार। तो गाइस फाइनली मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट फंटास्टिक ट्रिप पर और ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।